हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी, थकान, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहना, आलस रहना, कमजोरी महसूस होना, गठिया की समस्या, ऑर्थोराइटिस की प्रॉब्लम, पुरुषों में कमजोरी, कुछ भी काम करने का मन न करना जैसी सभी समस्याओं का एक ही सिंपल सा सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक होम रेमेडी तैयार करने जा रहे हैं आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार। ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये काफ़ी समय पुराने से हड्डियों में दर्द, कमजोरी, वात रोग को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे तैयार करना है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको 5 चीज़ें लेनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो है सौंठ, यानी सूखी हुई अदरक, जिसको हम ड्राइड जिंजर भी कहते हैं। आराम से आपको किराने की दुकान पर ये मिल जाएगा। आप या तो टुकड़े वाली सौंठ ले सकते हैं या फिर पाउडर वाली सौंठ ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पाउडर वाली सौंठ अवेलेबल है, तो यहाँ पर हम 2 चम्मच के बराबर सौंठ ले लेंगे। अगर आपके पास टुकड़े वाली सौंठ है तो 2 से 3 इंच बड़ा आप सौंठ का टुकड़ा ले लीजिए। सौंठ में पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके शरीर के दर्दों को खत्म करती है। आपके शरीर के वात विकारों जैसे कि जोड़ों में, घुटनों में, हाथ पैर कमर में दर्द रहना, मोटापा बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना जैसी सभी तकलीफों को ये दूर करती है। और जब आपके जोड़ों में, मसल्स में, जॉइंट में वायु चली जाती है तो उससे आपको गठिया यानी ऑर्थोराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सौंठ का प्रयोग करने से आपको वायु यानी वात से संबंधित रोगों में आराम मिलता है। दूसरी चीज जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है काली मिर्च। काली मिर्च भी आपके शरीर के वात रोगों को दूर करती है और साथ ही आपके जोड़ों को मजबूत भी बनाती है। आपके डाइजेशन के लिए भी ये बेहद अच्छी है। तो यहाँ पर हम 10 से 15 काली मिर्च के दाने इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद आपको लेना है लौंग। लौंग भी आपके शरीर से वायु यानी वात को दूर करता है, साथ ही इसमें दर्द निवारक गुण होते हैं जो कि आपके हाथ पैर जॉइंट्स के दर्द को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लगभग 6 से 7 लौंग ले लेंगे। अगली चीज़ जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है खसखस यानी पॉपी सीड्स। खसखस के फायदे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें हाई प्रोटीन होता है, साथ ही इसमें फाइबर, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपकी हड्डियों, आपके जोड़ों के लिए बेहद फायदेमंद है। साथ ही जिन लोगों को नींद आने की समस्या रहती है उनके लिए खसखस बेहद असरदार है। ये आपके स्ट्रेस को, चिंता को खत्म करती है, मूड स्विंग्स को ठीक करती है। आपको इसके सेवन से नींद बहुत अच्छी आती है, साथ ही आपका पेट भी साफ रहता है, आपको सांस से संबंधित समस्याएं नहीं होती। तो यहाँ पर हम लगभग 3 चम्मच खसखस इसमें ऐड करेंगे। अगली और आखिरी चीज जो आपको इसमें मिलानी है वो है जायफल। जायफल जो है ये मूत्रवर्धक होता है, यानी ये आपके यूरिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको अगर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो वो दूर होती है। साथ ही आपके शरीर के वात रोगों को दूर करता है, वजन घटाने के लिए भी बेहद फायदेमंद है, साथ ही डायबिटीज को कंट्रोल में करता है। तो यहाँ पर आपको 1 टुकड़ा जायफल का इसमें ऐड करना है। ये 5ों चीज़ें आपको लेनी है और इसके बाद में इसको अच्छे तरीके से कूट करके, पीस करके इसका पाउडर तैयार करना है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसे हमाम दस्ते में कूट लें, पर हमाम दस्ते में इसको आप पीसते हैं तो इसके जो नेचुरल पोषक तत्व हैं वो आपको मिलते हैं। तो अब हम इसको हमाम दस्ते में डाल लेते हैं और इसको पीस करके इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। हमाम दस्ते में बहुत बारीक पाउडर नहीं बन पाता है तो हल्का दरदरा पाउडर ही आपको तैयार करना है। अगर आप मिक्सी में बनाते हैं तो इसका बारीक पाउडर भी तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से पीस लिया है और इस तरह से इसका एक दरदरा पाउडर तैयार हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से आपको लेना है। जिनका शरीर वात प्रकृति का है, जिनको जॉइंट में, घुटनों में पेन रहता है हमेशा, कमर में दर्द रहता है, वो लोग इसे सुबह सुबह खाली पेट लें। 1 चम्मच आपको ये पाउडर लेना है। इसको खाने के बाद में आपको हल्का गर्म पानी पीना है, यानी गर्म पानी के साथ में आप इसको रोजाना ले सकते हैं। और अगर आप पानी के साथ इसे नहीं ले सकते तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे दूध में डाल करके लें। रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध ले लें, उसमें 1 चम्मच इस पाउडर को मिला करके उसको उबाल लें अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट तक इसको उबालें और उसके बाद में इसको हल्का गर्म पी लें। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इसको मीठा करने के लिए आप चाहें तो इसमें मिश्री मिला सकते हैं। मिश्री का इस्तेमाल करते हैं तो धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करिए, जो कि आपको किसी भी किराने की दुकान पर आराम से मिल जाएगी। मिश्री की जगह पर आप इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं
और जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो बिना मिश्री और शहद के भी इसको ले सकते हैं। इस तरह से आप सुबह सुबह पानी के साथ या फिर रात में दूध के साथ ले सकते हैं। जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का है, जिनको जॉइंट में, घुटनों में, कमर में दर्द रहता है हमेशा, और जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज़्यादा रहती है यानी पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, वो लोग इसको एक दिन छोड़ करके लें। इसी तरह से पानी के साथ या फिर आप दूध के साथ इसे ले सकते हैं। बहुत ही असरदार नुस्खा है शरीर की कमजोरी को दूर करने का, शरीर में ताकत को बढ़ाने का। जवान लोगों से लेकर के बूढ़े लोग सभी इसको आराम से ले सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस नुस्खे को रोजाना लेने से आपके जोड़ों की, घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, जॉइंट पेन, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द में आराम मिलेगा, नींद अच्छी आएगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।